हेलो एंड वेलकम टू माय ऐप रिव्यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है और जिसमें शेयर इट भी शामिल है। तो हम इंडियंस को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फाइल शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि जो शेयर इट था वो काफ़ी पॉपुलर था इंडियन यूज़र्स के बीच में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही ऐप के बारे में जिसकी मदद से आप इजीली एड फ्री फाइल शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त इस ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर में खोल रखा है जिसका नाम है जियो स्विच। इसे आप गूगल के सर्च बार में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं या फिर इस ऐप का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम इस ऐप को देखें गाइस, तो ये इस ऐप की रेटिंग जो है वो 4.6 स्टार रेटिंग है और 90K रिव्यूज़ हैं और 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छा डेटा है। और आप अगर यहाँ पर देखें तो ये इस समय टॉप 3 में ये ऐप चल रहा है अपनी कैटेगरी में। और इस ऐप को हम और थोड़ा खोल के देखें तो इस ऐप में अच्छी बात यह है कि कोई भी एड्स नहीं है और ना ही किसी भी टाइप के परचेजेस हैं। तो यानी ये जो ऐप है वो कम्प्लीटली फ्री है। और अगर हम एक्सेस की बात देखें तो ये सारे एक्सेस हैं जो ये ऐप लेता है, जिसमें आपका कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, स्टोरेज और अदर एक्सेस हैं। तो चलिए इस ऐप को खोल के देखते हैं और देखते हैं कि ऐप कैसे वर्क करता है। तो जब हम ओपन बटन दबाएंगे तो इस तरीके का ये फर्स्ट लुक हमें मिलेगा, जिसमें आपको स्लाइड्स के मदद से आपको समझाया गया है कि आपका जो ये ऐप यूज़ करने के लिए दोनों फ़ोन में इस ऐप का होना ज़रूरी है, जो कि काफ़ी कॉमन सी बात है। इसमें आप अपनी सारी फाइल्स भेज शेयर कर सकते हैं और ये हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट होता है और ये इजी ट्रांसफ़र है एज़ कम्पेयर टू शेयर इट और जेंडर, ये जो कि ये खुल के बोल रहे हैं। और आप जैसा कि देखें, मेड इन इंडिया भी ये अपने स्लाइड्स में इन लोगों ने ऐड कर दिया है, क्योंकि इस समय चाइना बॉयकॉट का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और जैसा कि मैंने बोला, आपको स्टोरेज परमिशन तो देनी ही होगी, तो स्टोरेज परमिशन आप अलाउ करते हैं। और ये आपको मैसेज आएगा कि इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों फ़ोन में लेटेस्ट जियो स्विच ऐप हो, यानी आपके दोनों फ़ोन में एक ही वर्ज़न का जियो स्विच ऐप होना चाहिए। तो इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखेंगे, जिसमें सेंड रिसीव का ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। कि दूसरा ऑप्शन आपको कोने में शेयर का दिख रहा है, आप इसे टैप करें तो आप देखेंगे कि ये एक हॉटस्पॉट बना देता है। और अगर आपके पार्टनर के फ़ोन में ये ऐप नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि उससे बोल सकते हैं कि इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर ले इस ये पासवर्ड डाल के। और दूसरा स्टेप ये है कि वो अपने ब्राउज़र में जाए और ये HTTP जो लिंक है इसे टाइप करे अपने ब्राउज़र में, तो इस ऐप को वो फ्री में डाउनलोड कर सकता है बिना किसी इंटरनेट एक्सेस के। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं अगर आपके पार्टनर के पास ये ऐप नहीं है। तो फिलहाल हम बैक जाते हैं। अगर हमें कुछ सेंड करना है तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे और ये आपकी सारी फाइल्स आ गई। अगर आपको सारी वीडियो फाइल्स सेंड करनी है तो आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए, तो ये आपकी सारी वीडियो फाइल्स एक बार में सेंड कर देगा, जो कि 84 वीडियोज़ हैं मेरे फ़ोन में। तो इसे हटा देते हैं। अगर आप फाइल्स में जाएं, व्यू ऑल करें, तो ये आपका जो स्टोरेज है वो खोल देता है और इसमें से आप जाके अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और बैक जाएं तो साइड बार में देखें तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, आप सिंपल अपना नाम चेंज कर सकते हैं, जो कि मेरा मोटोरोला डिवाइस है तो इसने मोटोरोला नाम कर रखा है, आप चाहें तो इसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें होम है, जो कि यही पेज है। और तीसरा सेंड रिसीव का ऑप्शन है और अगला ऑप्शन है शेयर विथ PC, जो कि काफ़ी ही अच्छी चीज़ है। इसकी खासियत यह है कि आपको PC से शेयर करने के लिए आपके PC में किसी भी ऐप के होने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपको कोई फाइल अपने PC में शेयर करनी है तो PC में कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसे शेयर विद PC पे टैप करेंगे और उसके बाद सेंड फाइल्स टू कंप्यूटर पे टैप करेंगे और आप फिर वीडियो पे सेलेक्ट कर देंगे। और जब आप शेयर सेलेक्टेड फाइल पे करेंगे तो आपका जो डिवाइस होगा वो एक हॉटस्पॉट बना देगा और आपको करना क्या है कि अपने PC को इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है ये पासवर्ड डाल के।
और अपने ब्राउज़र में जाके इस URL को टाइप करना है और सिंपली एंटर दबा देना है। तो आपकी जो भी फाइल्स हैं वो आपके ब्राउज़र में आ जाएंगी और बिना किसी इंटरनेट एक्सेस के आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ही अच्छी मुझे टेक्नोलॉजी कह सकते हैं लगी कि आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बिना किसी ऐप को अपने PC में डाउनलोड करें फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू गाइस, आपको कैसा लगा? आप अगर ये ऐप यूज़ करते हैं तो आप इसे कितने स्टार रेटिंग देंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच।